फैसले के बाद यकीनन सारा बर्डन अब इलेक्शन कमीशन पर आ गया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा है, तौहीन अदालत लगेगी इलेक्शन कमीशन पर? देखिए, मेरी जो अपनी रीडिंग है, मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन में इस वक्त डिवाइड है। अच्छा। अगर इलेक्शन कमीशन यूनैनिमस होता ना, तो उन्होंने जितनी उन्हें बैकिंग हलाशेरी मिल गई थी इस वक्त हुकूमत की तरफ से और ये इन लेटर्स की तरफ से, स्पीकर्स की तरफ से, उन्होंने लिख देना था कुछ ना कुछ और इनकार कर देना था। उनके अंदर डिवाइड है, जिस वजह से ये चीज़ किसी तरफ लग नहीं रही। अच्छा। और मेरा ख्याल है कि सेंस प्रिवेल करेगी, इलेक्शन कमीशन में ही से आवाज़ आएगी कि ये फैसला इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अच्छा अच्छा ये बताइएगा कि अब जो आपकी नज़रसानी, आप तो नहीं की नज़रसानी, लेकिन गवर्नमेंट की नज़रसानी है, और वहाँ पे अब ये जो फैसला था 12 जुलाई वाला मखसूस नशिस्तों वाला, इस पे एक तरफ तो ये नज़रसानी है और दूसरी तरफ जस्टिस साहिबान, जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से भी यही इसी तरह की बात मनसूब करके बयान की जा रही है, और जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तो लिख के दे चुके हैं कि वो उसी वक्त बैठेंगे जब पुरानी कमेटी बहाल होगी जो जो सुप्रीम कोर्ट की थी 3 रुकनी, और फिर आगे बात बढ़ेगी जब तक फुल कोर्ट इस ऑर्डिनेंस पे अपनी अपनी राय नहीं दे देती। तो आपके ख्याल में नज़रसानी का मामला भी टल गया फिर? देखिए, नज़रसानी लीगली सुननी किसने होती है? सुननी तो उसी बेंच ने है जिसने फैसला किया है। ये कोई रीहेयरिंग नहीं है या अपील तो है नहीं कि आप उसको उस तरह से टेकअप करें। जब जो जजेस जिन्होंने फैसला किया, जब वो इस बेंच का हिस्सा ही नहीं होंगे किसी वजह से, या वो सुन नहीं रहे, तो आप किस तरह से उसको फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा एक लकूना होगा जो कि फिल नहीं हो सकता। प्लस बाकी बेंच की कॉम्पोजिशन पर जो एतराज़ात, वो तो टाइम के साथ उठेंगे ही उठेंगे। ठीक है। अच्छा, ये भी बताएगा उमर साहब कि अदलिया की आज़ादी के हक में कल तरीके इंसाफ एहतजाज करने का इरादा रखती है, क्या वकला भी इसमें शरीक होंगे? यानी तरीके इंसाफ के जो वकला रहनुमा हैं उनके अलावा जो दीगर वकला रहनुमा हैं, क्या वो भी शरीक होंगे, और क्या सिविल सोसाइटी से भी लोग होंगे शरीक इसमें? देखिए, बुनियादी तौर पे ये तो एजेंडा ही वकला का है, जो अगर आईनी तरमीम के इस पोर्शन की हद तक देखें जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, मेन एजिटेट उसको कर ही वकील रहे हैं। हम तो एक सेकेंडरी फोर्स हैं कि हम पूरी आईनी तरमीम के अलावा इस चीज़ को भी एजिटेट कर रहे हैं। ठीक है, शायद वकला का और काफ़ी सारी चीज़ों पे कई जगहों पे कंसेंसस भी हो सकता है, ठीक है, मगर हम इस चीज़ को टूथ एंड नेल अपोज कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एट दिस स्टेज ये ना अप्रोप्रिएट है, ना ये ला सकते हैं, ना इनका मैंडेट है। तो हम हर तरह से बैक करेंगे, और वकला उसमें जाहिर बात है निकल रहे हैं, हम एज उनके बैक एंड पे हम भी साथ होंगे। और न्याय साहब, आपकी तरफ से कभी आवाज़ आती है कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात होंगे? कभी जवाब आता है नहीं होंगे, कभी कहते हैं दरवाजे बंद हैं, आज भी यही कंफ्यूजन कायम है, ये क्यों हो रहा है? अच्छा, इसके जो है ना मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। देखें, हमें सबसे बड़ा हैंडीकैप क्या है, हमारे पीटीआई की जो मतलब सबसे ज़्यादा टावरिंग पर्सनालिटी है इमरान खान, मतलब उनके इर्द गिर्द पूरी पीटीआई घूमती है। इमरान खान साइड पे कर दें तो पीटीआई है ही नहीं, ठीक है। अब वो पर्सनालिटी बिहाइंड बार है, जब बंदा बिहाइंड बार चला जाए फिर फंक्शन दूसरे लोग जो परफॉर्म कर रहे हों उसमें प्रॉब्लम आती है। फिर नंबर टू जिसने बाहर होना था शाह महमूद कुरैशी साहब, वो भी फील्ड में नहीं है, ठीक है, जिस वजह से एक बहुत बड़ा गैप बन गया। तो उस वजह से एक कम्युनिकेशन का गैप भी रहता है, कभी क्या कम्युनिकेट होता है, कभी क्या, मतलब इस पे ज्यादा बेहतर लाइट तो जो है ना जिस तरह से खान साहब ही शेड कर सकते हैं। मगर जो मेरा अपना जाती ओपिनियन है, देखें कॉन्स्टिट्यूशन के पैराए में चीजों में आप देखें तो एक रोल ही नहीं है, मतलब एस्टेब्लिशमेंट तो एक हमने कन्वीनियंट वर्ड निकाल लिया है ना बहुत सारी चीजों से बचने के लिए, ठीक है, मगर है कि उसका क्या कॉम्पोजिशन, कौन कौन लोग हैं जी बिल्कुल ठीक हो गया हाँ। अच्छा, तो अब क्या है सिचुएशन, क्या है यानी कुछ बातचीत, ऐसा लगता है कभी ऐसा लगता है कि आपके कहीं दरवाजे को रोजन खुले हैं, और कभी ऐसा लगता है कि बंद है, आपको क्या लग रहा है पार्टी के अंदर? नहीं, खुले
खुले के सेंस में देखें, जिस तरह जलसा मुलतवी हुआ था ना इस्लामाबाद वाला, अगर देखा जाए तो वहाँ आपको कुछ ताने बाने नज़र आते कि एस्टेब्लिशमेंट के एंड से इंटरवेंशन थी, वरना खान साहब कभी भी इतनी बड़ी लचक ना लेते, ठीक है। और अब जिस तरह का आ रहा है कि उन्होंने फुट डाउन कर दी है, देखिए क्योंकि खान साहब का जो ये सारा पीरियड है ना, मतलब आप उनका अगर 9 अप्रैल ऑनवर्ड देखें, जब से वो वज़ीर आज़म हाउस से स्टेप आउट किया है, उन्होंने एक चीज़ डिसाइड कर ली है कि उन्होंने दोबारा अगर वापस आना है ना इस मनसब पे, तो उन्होंने अवाम की सपोर्ट से आना है। मतलब वो बैकडोर चैनल की तरफ किसी तरह से भी देख नहीं रहे। वो बैकडोर चैनल पे शायद किसी वक्त कोई बात होती हो नेशनल इंटरेस्ट में, वो एक डिफरेंट चीज़ है, मगर ये है कि पावर में आने के लिए वो चैप्टर कब का क्लोज हो चुका है।